हेलो गाइस, ये है एक छोटा सा व्लॉग जो मैंने पिछले साल ही डाला था, जिसपे कुल मिला करके आए थे पूरे 150 व्यूज। तो उसी 150 व्यूज से इंस्पायर होकर मैंने सोचा इस बार का भी व्लॉग बनाएंगे, बिकॉज चाहे मेरे को 150 व्यूज आए, मुझे ये त्यौहार बड़ी खुशी देता है। दशहरे का त्यौहार मेरे को बहुत बहुत खुशी देता है, आई थिंक मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग था ये। एंड मैं जा रही हूँ जिसके लिए वैसे ही मशहूर है, आपको पता ही है, ततारपुर में सारे रावण बनते हैं, पूरी दिल्ली खरीदने आती है ततारपुर से रावण। हालांकि मैं ततारपुर नहीं जा रही, बट हम सुभाष नगर में ही हैं, तो मैं यहाँ जितने रावण हैं 2024 ईयर के, मैं आपको बेस्ट कोशिश करूँगी कि सारे के सारे इसमें कवर करूँ और आप लोग इस कंटेंट को इंजॉय करें, बिकॉज दिस इज माई फेवरेट फेस्टिवल। भाई पहले तो ये मेरे घर के बाहर ही देख लो आप, ये यार काफ़ी बड़ा रावण, अंदर जाके दिखाती हूँ, काफ़ी बड़ा रावण है ये, रहा रावण का मुँह, सिल्वर कलर का मुँह है। और इस बार तो काफ़ी बड़ा रावण, और ये लोग ना पटाखे भी बहुत भरपूर डालते हैं, इसमें मज़ा आ जाता है। थोड़ा और अगर जूम इन होगा तो गोले बम दिख रहे हैं मुझको, ओ भाई गोले बम भाई भरपूर। हालांकि वो जो बड़े बड़े रावण जो मेरे घर के बाहर या इस वाले पार्क में लगते हैं, अभी आपको फ्रंट साइड से दिखाऊंगी, यहाँ से दिख नहीं रहे हैं, रामलीला का ये लगा हुआ है तो मैं भी दिखाऊंगी ना, उसमें पटाखे नहीं होते, मगर ये लोग लगाते हैं भाई भरपूर पटाखे, बहुत मज़ेदार। एक छोटा रावण भी है मज़ा आने वाला है यहाँ पे खूब। सुभाष नगर दशहरा 2024, ओ माय गॉड क्या खूबसूरत रावण है यार, तीनों बहुत प्रीटी लग रहे हैं इस बार वाले। आई होप इसमें पटाखे होंगे, बस ऐसे तो फिर सिर्फ सेक आती है, पता है, थोड़े पटाखे होना तो मज़ा आ जाता है। आई नो एनवायरमेंट की बात है, बट ये फेस्टिवल ऐसा है ना कि जो देखने की हैबिट लगी हुई है उसके बिना फिर ऐसे सुना सुना लगता है अपना। तो दिस इज फ्रॉम सुभाष नगर छतरी वाला पार्क। हैप्पी दशहरा। ये देखो यार कितना सुंदर मुझे मुझे दाढ़ी वाड़ी कितनी प्यारी बनाई है इसकी, और इसको देख लो इसको क्या हो गया, इसको पहले ही मुर्दा कर दिया है। क्यों देखो ना, अच्छा ये अपने आप गिर गया, ओहो मतलब ये तुम बच्चे खड़ा कर रहे थे इसको? नहीं, हमारे साथ बड़े भी थे। ओहो, ये आधा मैदान पूरा भर गया था ये रावण, 70 फुट का रावण हाथ से खड़ा कर रहे थे। अच्छा तो हाथ से क्यों, तुम्हें ट्रक वगैरह नहीं मिला तुम्हें? नहीं यार भाई देखो ना, जगह ही नहीं है आने के। हाँ गली गली में ना ट्रक आ नहीं सकता, बात तो सही है बहुत। इस बार रावण भी तो इतना बड़ा तुमने ले लिया है वाला, पिछली बार तो 55 फुट का आराम से खड़ा। ये मुंडी इसकी तभी टेढ़ी खुद टेढ़ी हो गई है, टूट गई। ओहो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रक नहीं आ सकता, इन्होंने मैनुअली सारा मतलब वो करा है और फिर टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो कितने का पड़ा ये रावण तुमको? 150,000 बम्बों का हिसाब लगा के। अच्छा बम वगैरह वाले, हाँ यार इसके बम तो बहुत बड़े होते हैं। देखो भाई गाइस कितना खर्चा होता है, पर फिर थोड़ा वाइसली आई थिंक साइज आपको चूज करना चाहिए अगर रावण लगा रहे हैं ना। आगे पीछे हिल रहा है वो तो है ही, झूलेगा यार फिर तो डेंजरस हो सकता है। डेंजरस क्या, अभी थोड़ी देर में लेटाएंगे उसे, लेटाओगे? तो भाई ये हमें लेके जा रहे हैं इस गाइडिंग के, करने के वाले इनका बैकअप प्लान क्या है, क्योंकि ऑफ कोर्स दे हैव अ प्लान। ये रावण भी बहुत बढ़िया चलता है, वो सारे जो छतरी वाला पार्क जहाँ से दिखाया ना, वहाँ से वॉक करके फिर पूरी भीड़ यहाँ पर आती है। दो रावण गिर गए वो, नहीं चार तो सही लगे हुए हैं। अब बढ़िया है, अब तो लग गए वहाँ तक। चलो कहाँ लेके जा रहे हैं भाई, देखते हैं हम भी कहाँ दूर लेके जा रहे हैं भाई। अच्छा यही बता रहे हैं कि भाई पूरा फट चुका है रावण, बड़ी मेहनत से बना था, देखो सुंदर तो खूब लग ही रहा है। 40 दिन लगे बनाने। ओहो तुमने खुद बनाया ये? सर सब यहाँ से लोकेलिटी के सब लोगों ने। पिशोरी हो तुम? पिशोरी मतलब ही तो सारा। हाँ तुम पिशोरी हो, तो सबने मिलके ही बनाया। देखो एक वहाँ खड़ा हो रहा अभी, कहाँ अभी वो खट्टा कर रहे हैं। नहीं नहीं आ जाओ तुम, ये देखो हेलो कर दो कैमरा में देख के, ये दो बच्चों ने बनाया इतना सुंदर रावण, बिल्कुल ततारपुर के रावण जैसा ये, और बहुत सुंदर लग रहा है यार। देखो दो ही बच्चों ने मिलके बना दिया, छोटे छोटे बच्चे इतने सारे पटाखे लगाए हैं इसमें। ये वैसे कितना खर्चा होता है अगर तुम रावण खुद बनाते हो तो? कह रहे हमें नहीं पता, मम्मी पापा देते हैं ना चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है लगा हरिनगर बेरी वाला बाग, यहाँ पर भी गाइस जैसा कि आप देख सकते हो खूब रावण बनते हैं। हरिनगर बेरी वाला बाग छोटा सा ये रावण है, और एक मैं आपको दिखाती हूँ एक और बड़ा रावण है, बट पेड़ों का व्यू है और अंदर मैं जा नहीं पा रही हूँ, बहुत सारे आदमी लोग हैं। आई विश आपको दिखा पाती है ढंग से, बट ये भी बड़ा सुंदर रावण है। ट्रेन आ रखी है यहाँ इस रावण को, बड़े से रावण को उठाएंगे, हर जगह सुभाष नगर में रावण ही रावण है क्या बात है, क्या सेलिब्रेशन चलती है यहाँ पर छोड़। सुभाष नगर मेन मार्केट का रावण आई थिंक ये लोग खुद ही बनाते हैं, और सबसे सुंदर रावण इनका होता है आई थिंक, कल रात से तो ये खड़ा हुआ ही था एंड बहुत जोर से, तो
नगर मेन मार्केट का। गाइस सूर्य कॉन्टिनेंटल यानी कि सूर्य ग्रैंड जो हो चुका है, मैं बिल्कुल इसके बाहर हूँ एंड आई एम इन अटर शॉक क्योंकि यहाँ कहीं पे भी रावण नहीं लगा। इतना सुंदर रावण बनाते थे ये लोग, इस बार क्यों नहीं लगा? ओह माय गॉड यार, ओहो। चलो और देख कर आती हूँ कहाँ मिलेगा मेरे को। यार अच्छा नहीं लग रहा, सबसे सुंदर रावण होता था इनका। सूर्य ग्रैंड से निकलते ही कुछ दूर चलते ही FCF की तरफ अंदर आओगे तो ये सुंदर सा रावण आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक ये भी ये लोग खुद ही बनाते हैं और एक इस तरफ भी लगा हुआ है मगर इसकी स्कर्ट नहीं है, इसकी स्कर्ट शायद वहाँ पे है। आई थिंक दिक्कत होती है यार रावण बहुत इसको खड़ा करने में ना, तो आधा आधा ही खड़ा कर रहे हैं ये लोग, बट वेरी नाइस यार, कितना सुंदर रावण है। दिस इज अगेन सुभाष नगर मार्केट के पास, निष्ठा निष्ठा समोसे वाला है जहाँ पे, इन्होंने नाम चेंज कर लिया है नहीं, वो ये निष्ठा स्नैक्स यस। और एक ये वाला भी है यार इसका, ओहो इसका मैं बोल ही नहीं पा रही ना, मैं बहुत पास खड़ी हूँ इसके। और यार छोटे छोटे रावण भी हैं, भूत भी है नीचे देख लो भाई। शेडले स्कूल के पास वाला खूबसूरत सा रावण, वाह। सुभाष नगर